नमस्कार साथियों, बी ब्रेड क्या है? बी ब्रेड के बारे में आपने शायद ना सुना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसको बोलते हैं द सुपर फूड ऑफ ऑल सुपर फूड्स, क्योंकि ये फर्मेंटेड फूड है और ये बनता है बी पोलन से। मधुमक्खियां बी पोलन को फूलों से कलेक्ट करके लाती हैं और अपने जो छत्ते के जो छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं उनके अंदर भरती है और उसमें कुछ एंजाइम मिलाती है और साथ में थोड़ा शहद मिला देती है, जिससे फर्मेंटेशन के बाद बी ब्रेड तैयार होता है और उसको मधुमक्खी के छोटे बच्चे खाते हैं। इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, एंजाइम बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं और लिपिड बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। आपने सुना होगा जो अमीनो एसिड है वो जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मिलकर प्रोटीन की बिल्डिंग बनाते हैं, जिससे आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो इसीलिए जो अमीनो एसिड है वो बहुत जरूरी है और इस बी ब्रेड के अंदर वो अमीनो एसिड बहुत भारी मात्रा में है और इससे जो है अगर आप इसको कंज्यूम करेंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, भूख बहुत अच्छी लगेगी आपको और डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। गट हेल्थ तो जो है बहुत ही शानदार हो जाएगी और आपकी बॉडी जो है एक अभेद्य किला बन जाएगा, क्योंकि ये जो है फर्मेंटेड फूड है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है। और मधुमक्खियां जब फूलों पर भ्रमण करती हैं तो मान लीजिए जैसे मस्टर्ड के फ्लावर पे मक्खी गई है तो वहां से पोलन इकट्ठा किया, या फिर मल्टी टाइप ऑफ फ्लावर्स जो होते हैं करीब 100 से 200 तरह के फूलों पर भ्रमण करके जो पोलन कलेक्ट करके लाती है उसमें भी गुणवत्ता में फर्क पड़ता है। तो हमने जो ये बी ब्रेड तैयार किया है ये मल्टी फ्लावर का बी पोलन इस्तेमाल किया है। जो मधुमक्खियां अपने बच्चों के लिए बी ब्रेड तैयार करती हैं कोष्ठक के अंदर अपने बी हाइव में, और जो हमने बी ब्रेड तैयार किया है बिल्कुल सेम टेस्ट मिलेगा इसका आपको और जो है फायदे बहुत ज्यादा होंगे। और साथियों जो बी पोलन होता है अगर उसको हम सीधा कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी 18-20% तक ही उसको जो है डाइजेस्ट कर पाएगी और वो वेस्ट जाएगा, जबकि ये बी ब्रेड जो है ये एक तरह से इसके अंदर अमीनो एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिसकी वजह से बॉडी इसका 80-90% तक डाइजेस्ट कर लेती है और जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, लाभदायक है सेहत के लिए। और तो बी ब्रेड को आपको जो है जरूर कंज्यूम करना चाहिए। इसको खाने का तरीका भी बहुत आसान है, इसको खाली पेट लेना होता है, चम्मच का चौथा हिस्सा सुबह ले लीजिए, चम्मच का चौथा हिस्सा शाम को ले लीजिए, दिन में 2 बार लेना है इसको, या फिर अगर दिन में 1 बार ले रहे हैं तो सुबह खाली पेट ले लीजिए आधा चम्मच। ये थोड़ी सी मात्रा ही, चम्मच का चौथा हिस्सा जो है ना उसके अंदर ही करोड़ों की तादाद में माइक्रोब्स होते हैं। हमारी पूरी बॉडी जो है माइक्रोब्स से बनी है, माइक्रोब्स भरे हुए इसके अंदर, सभी जो क्रिया प्रतिक्रिया बॉडी में चलती है सभी माइक्रोब्स के कारण चलती है। जैसे ओरल माइक्रोब्स होते हैं या अपने जो गट माइक्रोब्स होते हैं सभी अलग अलग होते हैं और इसके अंदर वो बहुत ज्यादा मात्रा में भरे हुए हैं और आपको इससे बहुत ज्यादा लाभ होने वाले हैं। एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। धन्यवाद साथियों।